Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Welcome to online classes of Knowledge City Islamic School. Students, today we are going to study the book of computer science in grade 2. Today our lesson is unit number 1. Students, unit number 1, in previous video students we already read this unit and understand this unit. Now in this video students we will do its exercise. So students, come with me on page number 6. On page number 6 students, our pass activity maujood hai. Activity mein hamare paas hame diya gaya hai 205 number, जिसको उन्होंने शो कर दिया है, पर हमें दिया गया है 3285, जिसको हमने खुद से शो करना है एबेकस में. 3285 को आप लोगों ने शो करना है. 205 जो है वो आपको बताया गया है. चलिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ. 205 स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि एबेकस जो है वो एक मेटल और वुडन एक फ्रेम है, जिसमें हर वायर में 10 बीट्स होती हैं. हर वायर में 10 बीट्स होती हैं स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर हमारे पहली लाइन जो है हमारे पास, वो हमें याद ज़ाहिर करती है यूनिट्स यानी वंस को, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000 नंबर और फिर 1 लाख एंड सो ऑन. ऐसे ही बाकी चलता रहता है. अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास है 205, हमें नंबर शो करना है. वंस, टेंस, हंड्रेड. वंस में हमारे पास बच्चों कौन सी वैल्यू है? 5. फर्स्ट वन 5. हेयर वी 1 2 3 4 5. 5 बीट्स हमने इस साइड पर कर दी स्टूडेंट्स और 5 वहीं पर रहने दी. सेकेंड नंबर हमारे पास स्टूडेंट्स है 0. टेंस में हमारे पास है 0, तो हमने 10 की 10 बीट्स को वहीं पर रहने दिया और इस साइड पर कोई बीट भी नहीं की. यहाँ पर 0, कोई बीट भी नहीं, यानी 0 बीट है. 2. अब हमारे पास 100 में वैल्यू है बच्चों 2. 100 में 2 वैल्यू है. यहाँ पर हर वायर में 10 बीट्स होती हैं. यहाँ पर हमने 8 रहने दी और 2 को इस साइड पर हमने शो कर लिया. इस तरह हमारे पास हमने ये शो कर लिया 205. अब ऐसे ही बच्चों आपने एग्जाम्पल के हिसाब से 3285 को एक्टिव यहाँ पर खुद से करना है. अब बच्चों आ जाते हैं हम पेज नंबर 7 की जानिब. पेज नंबर 7 में बच्चों हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर से हैं. बच्चों क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड पर लिख दिए हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में शो कर दूंगी. अभी हम चलते हैं पार्ट बी की जानिब. पार्ट बी में हमारे पास है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट इन ईच क्वेश्चन. बच्चों हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनमें हमने जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास उस पर टिक का निशान लगाना है. फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव, इन ओल्डन टाइम्स पीपल यूज्ड फॉर काउंटिंग. पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए कैलकुलेटर, बुक, स्टोन, एट. तो पुराने ज़माने में लोग कैलकुलेटर के लिए क्या यूज़ करते थे? स्टोन्स. हियर वी टिक स्टोन्स. अबाउट 4000 ईयर अगो एबेकस वाज इन्वेंटेड बाय द चाइनीज, इंडियंस, जैपनीज या अमेरिकन्स. चाइनीज ने बच्चों इन्वेंट किया था 4000 ईयर्स एगो. अ सिंपल मशीन दैट इज कॉल्ड द मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज टीवी, रेडियो, कैलकुलेटर या एबेकस. एबेकस, हियर वी टेक एबेकस. विच वन इज अ सिंपल मशीन? कैलकुलेटर, एबेकस, लैपटॉप या कंप्यूटर. एबेकस इज अ सिंपल मशीन, हियर वी टेक एबेकस. इन एबेकस अपर मोस्ट वायर इज यूज फॉर हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेंस या यूनिट्स. अपर वायर यूज होती है यूनिट्स के लिए स्टूडेंट्स. फर्स्ट यूनिट्स, फिर हंड्रेड, टेंस, फिर हंड्रेड और ऐसे सो ऑन. तो फर्स्ट वन इज यूज फॉर यूनिट्स. नाउ कम ऑन पार्ट सी. पार्ट सी वी हैव राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव स्टूडेंट्स, कंप्यूटर इज अ सिंपल मशीन. फॉल्स, हियर वी राइट फॉल्स. एबेकस इज अ सिंपल मशीन. वी कैन नॉट रिप्रेजेंट 5 2 3 6 1 9 ऑन एबेकस. नो, वी कैन रिप्रेजेंट इट. सो हेयर वी राइट एफ, फॉल्स. एबेकस, एबेकस इज नोन एज द मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. ट्रू, एबेकस इज नोन एज द मदर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर. द थर्ड वायर इज, एबेकस इज यूज फॉर हंड्रेड्स. येस, हेयर वी राइट टिक. फर्स्ट वन यूनर्स, फिर टेंस और फिर हंड्रेड्स. सो हेयर इज अ ट्रू स्टेटमेंट. चाइनीज इन्वेंटेड द एबेकस. या टिक, हेयर वी राइट टिक, क्योंकि चाइनीज ने ही इन्वेंट किया है बैकस को. नाउ कम ऑन पार्टी स्टूडेंट्स. पार्टी वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स. इन ओल्डन टाइम्स डैश वाज यूज्ड फॉर काउंटिंग. इन ओल्डन टाइम्स स्टोन्स वाज यूज्ड फॉर काउंटिंग. स्टोन्स एंड फिंगर्स वाज यूज्ड फॉर काउंटिंग. अबाउट डैश ईयर्स एगो बैकस वाज यूज्ड टू सॉल्व सिंपल अर्थमेटिक प्रॉब्लम. 4000, हेयर वी राइट 4000. नाउ इन थ्री, इन एबेकस फोर्थ वायर इज यूज फॉर. एबेकस में फोर्थ वायर यूज होती है
किस लिए बच्चों? आप लोग पढ़ें यूनिट टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड फोर वाई यूज फॉर थाउजेंड हियर वी राइट थाउजेंड्स. फोर्थ वन इज इन अबैकस ईच वायर हैज डैश बीड्स. इन अबैकस ईच वायर हैज टेन बीड्स. स्टूडेंट्स कितनी बीड्स हैं? टेन बीड्स. कम ऑन स्टूडेंट्स पेज नंबर एट. पेज नंबर एट वी हैव फोर एग्जाम्पल्स. स्टूडेंट्स ये आप लोगों को खुद से करनी है. आपको बता दिया गया है कि अबैकस कैसे यूज करते हैं अबैकस को. फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 4 2 6. सेकेंड वन इज 3 4 6 7. थर्ड वन इज 8 3 5 7. फोर्थ वन इज 7 4 2 9 6. बच्चों अब आप लोगों ने खुद से इसको करना है. बच्चों व्हाइट बोर्ड में मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल शो करके बताने लगी हूँ कि आपने कैसे एक्टिविटी बुक पर आपने पेज नंबर 8 को खुद से सॉल्व करना है. यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को बताऊँगी 5 3 2 7 अबैकस पर कैसे शो किया जा सकता है. स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि अबैकस एक मेटल और वुडन प्लेयर फ्रेम है जिस पर हर वायर में 10 बीड्स होती हैं. तो हम स्टूडेंट्स सब वायर्स में 10 बीड्स को ड्रॉ कर लेते हैं. स्टूडेंट्स फर्स्ट बीड जो है वो क्या जाहिर करती है? यूनिट्स, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक एंड सो ऑन. ओके स्टूडेंट्स लेट्स वी राइट हेयर. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने हर वायर में 10 बीड्स ड्रॉ कर ली हैं. अब हमारे पास वैल्यू है वंस में, हमारे पास वैल्यू है 7. वंस में कौन सी वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स? 7. सो हमें 7 बीड्स को इस साइड पर करना है और बाकी रिमेनिंग बीड्स को वहीं पर रहने देना है. सो लेट्स वी डू दिस. ओके स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं वंस में हमारे पास वैल्यू थी 7. यहाँ पर हमने 7 बीड्स ड्रॉ की. 1 2 3 4 5 6 7. 7 बीड्स यहाँ पर कर दी और बाकी 3 जो रिमेनिंग है वो वहीं पर रहने की. सेकंड में हमारे पास बच्चों वंस टेंस. टेंस में हमारे पास वैल्यू है 2. यहाँ पर बीड्स होती हैं 8. हर वायर में 8 बीड्स हैं तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बीड्स यहाँ पर रहने दी और 2 वैल्यू है तो हमने यहाँ पर 2 बीड्स इस साइड पर कर दी. थर्ड में हमारे पास वैल्यू है बच्चों 3. वंस टेंस हंड्रेड. हंड्रेड में हमारे पास वैल्यू है 3. 3 में बच्चों हम लोगों ने 3 बीड्स को इस साइड पर कर दिया और बाकी रिमेनिंग 7 बीड्स यहाँ पर रहने दी. 3 बीड्स इस साइड पर और 7 इस साइड पर. अब लास्ट में हमारे पास वैल्यू है 5. 5 की वैल्यू क्या है? नंबर 5 है हमारे पास और वैल्यू है इसकी वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड. थाउजेंड इसकी हमारे पास वैल्यू है. तो 1000 में हमने 5 नंबर 5 बीट्स को इस साइड पर और 5 बीट्स को उस साइड पर रहने दिया. 1 2 3 4 5. 5 बीट्स इस साइड पर हैं और 1 2 3 4 5. 5 बीट्स हमारे पास इस साइड पर हैं. बाकी हमारे पास 10,000 और लैक में कोई वैल्यू कोई नंबर नहीं है बच्चों. तो यहाँ पर 10 की 10 बीट्स वहीं पर रहने दी. तो ये था बच्चों हमारा अबैकस में नंबर शो करने का तरीका. उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा और अब आप लोग पेज नंबर 8 आराम से खुद कर लेंगे. चलिए बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की जानिब. बच्चों क्वेश्चन आंसर में आप लोगों ने नीट कॉपीज पर क्वेश्चन आंसर उतारने हैं. क्वेश्चन आप लोगों ने बुक से देखने हैं और आंसर्स आप लोगों ने व्हाइट बोर्ड से देखकर अपनी नीट कॉपी पर नीट एंड क्लीन कॉपी करने हैं. चलिए बच्चों अब हम पहला हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मैन यूज फॉर काउंटिंग इन ओल्डन टाइम्स. हमारे पास आंसर है इसका बच्चों आंसर नंबर 1 इज इन ओल्ड टाइम्स मैन यूज्ड स्टोन्स एंड फिंगर्स फॉर काउंटिंग. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बच्चों व्हाट इज अबैकस. आंसर नंबर 2 इज अबैकस इज अ सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन. क्वेश्चन नंबर 3 इज हु इन्वेंटेड अबैकस. आंसर नंबर 3 इज चाइनीज इन्वेंटेड अबैकस. क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स वी हैव व्हाट इज द यूज ऑफ एन अबैकस. आंसर नंबर 4 इज अबैकस इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन. क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम द मशीन दैट इज कॉल्ड द मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. आंसर नंबर 5 इज अबैकस. अबैकस इज द मशीन दैट इज कॉल्ड द मदर ऑफ कंप्यूटर. स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सबक. उम्मीद है आपको आज का सबक समझ में आ गया होगा. अपना ख्याल रखिएगा बच्चों. अल्लाह हाफिज़.